नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कुलर मोशन से. इफ ए बॉडी मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर विथ ए कॉन्स्टेंट स्पीड वी, देन एंगुलर वेलोसिटी विल बी. ऑप्शन आर वी बाई आर, वी स्क्वायर बाई आर, आर बाई वी एंड आर वी. सो वी नो दैट व्हेन ए बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर विथ वेलोसिटी वी, क्योंकि स्पीड कॉन्स्टेंट होता है, वेलोसिटी अलग अलग होता है सर्कुलर मोशन में. एंड सपोज वो सेंटर है, ये इनिशियल पोजिशन है, बी फाइनल पोजिशन है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है, और एंगुलर जो वेलोसिटी होता है ओमेगा, तो वी इज इक्वल टू फार्मूला होता है आर ओमेगा. तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बाई आर. चूंकि वी भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट. यानी यहां पर वी बाई आर करेक्ट आंसर होगा. इफ ए बॉडी मूविंग इन ए सर्कुलर रेडियस आर विथ ए वेलोसिटी वी, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन विल बी वी स्क्वायर बाई आर. मैग्नीट्यूड ऑफ सेंटीपेटल एक्सीलरेशन, सेंटीपेटल एक्सीलरेशन इज वी बाई आर, वी स्क्वायर बाई आर, आर बाई वी और आर वी. सो एंगुलर एक्सीलरेशन व्हेन ए बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर सेंटर ओ विथ वेलोसिटी वी, देन ए एक्सीलरेशन एक्ट्स टुवर्ड द सेंटर. जब भी कोई पेन किसी सर्कुलर पाथ में, वृत्ताकार पाथ में गमन करता है या गति करता है, तो केंद्र की ओर एक त्वरण होता है जिसे अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं, या सेंटीपेटल एक्सीलरेशन होगा तो सेंटीपेटल एक्सीलरेशन का फार्मूला होता है a इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर. तो यहाँ पर ये सूत्र क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर. इन 1 second a particle goes from point A to B moving in a semicircular of radius 1 meter according to this diagram, then the magnitude of average velocity is 2 meter per second, 2.14 meter per second, 3.14 meter per second and 5 meter per second. So average velocity jo hoga, average velocity is equal to total displacement अपॉन टाइम टेकन. ये फार्मूला होता है, क्योंकि जब ये यहां से मूव होते हुए यहां पर आएगी तो यहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो अलग अलग चीज होगी. अगर डिस्टेंस होगा तो पाई आर होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा यानी ए टू बी, तो यहां 1 meter होगा, क्योंकि ये 1 meter है तो ये भी 1 meter होगा, ये भी 1 meter होगा. यानी डिस्प्लेसमेंट यहां पर हो जाएगा 2 मीटर अपॉन 1 सेकंड, यानी क्या हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड. तो इसका सही उत्तर होगा 2 मीटर पर सेकंड. ए पार्टिकल मूविंग इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड, देन इट हैज कांस्टेंट, ऑप्शन ए वेलोसिटी, सेकंड एक्सीलरेशन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्थ काइनेटिक एनर्जी. Suppose this is a particle and it is moving in a circular path, in horizontal circle, not in vertical circle, horizontal circle. Then which factor remains constant? तो अगर कोई object horizontal surface पर, क्योंकि यह diagram यहाँ पर vertically दिख रहा है, लेकिन ये circle क्या है? Horizontally है. जब ये horizontal surface पर, मान लीजिए radius r है और इस ऑब्जेक्ट का मास m है और वेलोसिटी v है, तो जब ये बॉडी a से b तक पहुंचता है तो उस समय उसका वेलोसिटी अलग हो जाता है.
स्पीड भले वही रहेगा लेकिन वेलोसिटी अलग होगा। अगर ये यहां पर पहुंचता है तो डिस्प्लेसमेंट अलग होगा, तो वेलोसिटी अलग होगा, डिस्प्लेसमेंट अलग होगा। क्योंकि वेलोसिटी हर जगह पर चेंज हो रहा है इसलिए एक एक्सीलरेशन होगा जो कि सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन होगा। हर जगह पर सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन का वैल्यू चेंज होगा, यानी वेलोसिटी चेंज हो रहा है इसलिए कांस्टेंट नहीं होगा। एक्सीलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, तो यहां पर एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि जब ये अलग अलग पोजीशन पर होगा तो अलग अलग पोजीशन पे इसका डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा, इसलिए ये भी कांस्टेंट नहीं है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है k is equal to 1 by 2 mv square, क्योंकि v square है और काइनेटिक एनर्जी जो है ये स्केलर क्वांटिटी है इसलिए ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट, यानी काइनेटिक एनर्जी विल बी कांस्टेंट। A cyclist moving with a velocity of 72 km per hour on a flat road takes a turn on the road at a point where the radius of curvature of the road is 20 meter. The acceleration due to gravity is 10 meter per second square. In order to avoid skidding, he must not bend with respect to vertical plane by an angle greater than when greater than 10 inverse 2, 10 inverse 3, 10 inverse 4, 10 inverse 5. So here suppose you are taking a plain circular road. जब कोई भी मोटरसाइकिल वाला अचानक से मुड़ जाता है तो अगर वो अंदर की ओर थोड़ा सा झुक जाता है तो स्किड नहीं होता है जनरली। तो कितने एंगल तक वो झुक सकता है जिससे क्या है वो स्लिप ना, उससे ज्यादा झुकेगा और स्पीड में रहेगा तो वहां पर वो प्लेन सर्कुलर रोड में फिसल जाएगा। तो इसीलिए जब भी हम लेफ्ट टर्न लेते हैं तो बाएं की ओर झुक जाते हैं, राइट टर्न लेते हैं तो राइट की ओर झुक जाते हैं, और इस प्रकार की जो मोशन होता है तो फार्मूला इसमें होता है। साइक्लिस्ट मोशन का जो फार्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय r। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v, यहां पर v का वैल्यू क्या है वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर। तो 70 v इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर है, पर आवर है, तो यहां पर v इज इक्वल टू 72 इनटू 5 by 18 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। जब भी किलोमीटर पर आवर को हम 5 by 18 से या 1000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे या नीचे 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर भी 5 by 18 ही बचेगा, इसलिए 5 by 18 से डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करने पर यहां पर 20 मीटर पर सेकंड मिल जाता है। तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर अपॉन r, कितना रेडियस दिया है 20 और g का वैल्यू दिया है यहां पर 10, तो यहां हो जाएगा 20 into 20 अपॉन 20 into 10। तो यहां पर 20 20 कट गया, 0 0 कट गया, ये हो गया tan theta is equal to 2, तो theta is equal to क्या हो जाएगा tan inverse 2। तो यहां पर ऑप्शन a इज द करेक्ट आंसर।